हेलो जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाशिंगटन डीसी में। और अभी आपको लाइव सुनने का भी मौका मिला और मुझे तो बहुत ही, पहली बात तो जैसा कि मैंने कहा कि आप टॉप 5 में मेरी लिस्ट में हैं। थैंक यू सो मच, इट्स अ बिग बिग थिंग, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू। और ऑनेस्टली बेस्ड ऑन योर सिंगिंग, कम्प्लीटली आपके सिंगिंग पे है सिंस, क्योंकि म्यूज़िक घराने से बिलोंग करते हैं तो इसलिए म्यूज़िक की नॉलेज है। तो कोशिश यही होती है कि जो हमारा टैलेंट है, जो राइट टैलेंट है, उसी को प्रमोट किया जाए जी। तो आप जो हमारे यंगस्टर हैं उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहिए कि कैसा म्यूज़िक करना चाहिए? आई थिंक मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक कोई लैंग्वेज नहीं होती है, आप किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, एंड चाहे वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, वेस्टर्न, सूफी या फिर कोई भी जॉनर हो, लेकिन हर म्यूज़िक का एक अपना सोल होता है। अगर वो मेंटेन रखते हुए कोई भी म्यूज़िक किया जाए तो मेरे ख्याल से जो जिसका कंफर्ट है उस जॉनर में उसको करना चाहिए, लेकिन सोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट अबाउट रियाज? मेरे ख्याल से प्रैक्टिस, जी की हर काम में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको रियाज नहीं करेंगे, तब तक उसमें शाइन नहीं आएगी। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल होता है और ये सोच ले कि ना मैं तो सक्सेसफुल हो गया और मैं अभी ना कुछ रियाज नहीं करूँगा, प्रैक्टिस नहीं करूँगा, बस हो गया, मैंने एवरी डे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने अच्छा गा लिया तो कल भी वो चलेगा, उस दिन आपको प्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए होता है प्रैक्टिस, रियाज। तो कीप डूइंग प्रैक्टिस और सोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो गाने, जैसे आजकल तो बहुत अजीब किस्म के गाने भी आ रहे हैं जो ऊट पटांग जो वर्ड्स उसमें होते हैं, तो आप ऐसे गानों को क्या उसमें क्या कहेंगे कि कैसा उनमें ऐसा प्रोत्साहन उसमें देना चाहिए, या सिंगर को अगर बहुत फेमस है तो उनको ऐसे गाने बायकॉट करने चाहिए? जी नहीं, देखिए मेरा काम है सिंगर, मुझे भजन भी गाना पड़ेगा, मुझे आइटम नंबर भी गाना पड़ेगा, मुझे ऐसे गाने भी गाने पड़ेंगे जो कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा धर्म है गाना, तो मुझे जैसा गाना मिलेगा मैं तो वैसा, जैसे आप देखिए मेरे मैं रोमांटिक गाने गाए हैं, लेकिन है ना साथ साथ मैंने ना कजरारे गाना भी गाया है, साथ साथ टिंकू जिया भी गाया है, नगाड़ा भी गाया है, तो इस तरह फिर गुंडे फिल्म का, जश्न इश्क का, ये अलग अलग मुख्तलिफ गाने, तो जिस तरह के गाने आपको मिलेंगे आप उस मूड के साथ में उसको गाइए और वही आई थिंक लोगों तक कनेक्ट करता है जी। सो मतलब जिस टाइप का करेक्टर हो उसी टाइप का ही गाना जी, 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 जरूरी है। हाँ जी। लो जी, मोनी गिल की तरफ से और जावेद जी की तरफ से, कीप वॉचिंग माई टीवी। थैंक यू।